आज वो अस्थाई जेल हमारी तैयार हो जाएगी। कल से जेल सुप्रेंट को डायरेक्शन दे दिए थे मैंने, और जो मुझे सपोर्ट देना था जेल सुप्रेंट को वो भी दे दिए थे। कल वो देख आए हैं, आज उनके जेल की स्टाफ भी वहाँ लग जाएगा। जो मैंने कुछ पुलिस की मदद दिलानी थी वो भी करा दी है, कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की हेल्प भी दे दी है वहाँ पर। और मेरे ख्याल से जैसे ही तैयार हो जाएगा और जो भी इलीगली घूमता पाया जाएगा, देख कुछ ही कैटेगरीज हैं जिसमें कर्फ्यू पास आवश्यक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, हर वो व्यक्ति जो किसी अस्पताल में कार्यरत है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, पैरामेडिक स्टाफ, स्वीपर, लेबर, सबके पास आईटीडी कार्ड है, कोई भी श्रेणी का व्यक्ति है उसको कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं है। नंबर टू पे जो दूध वितरण वाली एजेंसीज़ हैं जो कर रही हैं, उनको उनका दूध का डब्बा रहता है, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। नंबर तीन, ऐसे जो भी मरीज जिन वो अस्पताल में नियमित चेकअप के लिए जा रहे हैं अपने मरीज से किसी साथ में, एक व्यक्ति के साथ में, उसको पास की ज़रूरत नहीं है। चौथा, वो व्यक्ति जो दवाई खरीदने जा रहा है, प्रेस्क्रिप्शन है उसके पास में, पर जेन्युइन दिखना चाहिए व्यक्ति। पुलिस को बोला गया है, ऐसा नहीं कि हर कोई आदमी घर से प्रेस्क्रिप्शन, सब घरों में रहते हैं, कोई भी आदमी कोई भी प्रेस्क्रिप्शन निकालने चला जाएगा और जांच पाया कि उसको आवश्यकता नहीं है, इसकी पूछताछ हुई अगर शक हुआ तो उसको अरेस्ट कर लेंगे हम लोग। उसी लिए ये चार कैटेगरी छोड़ करके बाकी जो भी हैं कैटेगरी, बैंक एम्प्लॉयज़ भी हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ को भी अलग से कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको भी दिया 11 से 5 की अनुमति, उनके पास बैंक का आईडी कार्ड होगा, बैंक का लेटर होगा उनके पास में। इसके अलावा हमने कर्फ्यू पास इशू किए हैं सबको, गाड़ी में इशू किए हुए हैं, नगर निगम जो अनिवार्य सेवाएँ हैं, नगर निगम, MPP वगैरह, इनको आवश्यकता नहीं है। और बाकी सब निजी व्यक्तियों के पास कर्फ्यू पास रहना चाहिए या उनके पास गाड़ी का पास होना चाहिए।